हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं सिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में। तो जैसा कि यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग KBS इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग 2023। सो टुडे इन क्वेश्चन सीरीज इंटरव्यू सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, टुडे आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 7। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। So, let us see what is the question number 7. How will you prepare the students for participation or what you will do to increase the participation among various activities? तो इस question का मतलब यही है my dear friends कि आप बच्चों के participation, वो चाहे पढ़ाई में हो, वो चाहे curricular activities में हो, वो चाहे other activities में हो, वो चाहे sports activities में हो, आप बच्चे के participation, कोई बच्चा participate नहीं करना चाहता, कोई बच्चा involve नहीं होना चाहता, तो आप क्या करेंगे बच्चों के लिए, क्या करेंगे, एंड हाउ विल यू प्रिपेयर देम, ठीक है, एंड व्हाट यू विल इंक्लूड, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू विल डू टू प्रिपेयर देम, ठीक है। तो आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सेंस ऑफ इक्वालिटी, बिल्कुल हमारी कक्षा में एक हमें एटमॉस्फेयर, अपने क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसे बनाना है कि किसी बच्चे को यह ना लगे कि मैं और बच्चों से अलग हूं। There should be equality between all of, among all of them, ठीक है, हर सभी के बीच में equality होनी चाहिए। तो पहले हमें बच्चों को ये feel कराना है कि sense of equality है कक्षा में, कोई बच्चा किसी प्रकार से difference नहीं है, ठीक है, वो चाहे physically हो, वो चाहे mentally हो, वो चाहे cognitive हो, वो चाहे creativity हो, चाहे किसी रूप से, ठीक है। वही दूसरी बात करते हैं तो equal opportunity to all, बिल्कुल बच्चा, जो बच्चा बहुत तेज है, ठीक है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स पाते हैं, और वही जो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, हम उनके बीच में कोई हमें गैप नहीं लाना है, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है और सबको कक्षा में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा तेज है इसको मैंने क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो सब बच्चे अपने आप में एक यूनिक टैलेंट होता है सबके पास, तो इसीलिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सभी बच्चों को, ठीक है। अब फेयर ऑफ फीलर रिमूव को, जो फेलर है बच्चों के अंदर, जो उनके अंदर डर की भावना, हार के, जैसे कि हम हार जाएंगे या हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, इस भावना को बच्चे के अंदर से रिमूव करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यूजिंग मेनी लर्निंग एड्स इन क्लास, रोल प्ले, ड्रामा, क्विज, ये हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग, मतलब अपनी पढ़ाई से, करिकुलम में, किताबों से चीजें, तो हम अपने टीचिंग मेथड में या ऐसे लर्निंग एड्स को ऐड करेंगे, लाइक क्विजेस ऐड करेंगे, ड्रामा, रोल प्ले, पपेट्री, पिक्चर, और जो भी होगा, हम बच्चों को लर्निंग एंजॉयफुल बनाने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए, हम अपने अंदर ये लर्निंग एड्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, गिव इम्पोर्टेंस टू क्रिएटिविटी, बिल्कुल अगर किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी है, अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है, कोई अच्छा क्रिएटिव माइंड है उसका, तो हमें उसका प्रेज करना चाहिए, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंस देना है क्रिएटिविटी को, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू आइडियाज रिवार्ड्स, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव या आर ब्रिंगिंग द न्यू आइडियाज इन द क्लास, या किसी एक चीज को वो कई तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, कई नए नए मेथड्स, कई नए नए आइडियाज ला रहा है, तो क्या करना है, हमें ऐसे बच्चों को प्रेज करना है, ऐसे बच्चों को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं बच्चों को इम्पोर्टेंस देना है, कि हमको रिवार्ड्स देना है, ताकि बच्चों में एक भावना आए कि हाँ अच्छा, मतलब हम एक चीज को कैसे कई तरीके से कर सकते हैं, या हम क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, तो हर बच्चा कोशिश करे, ठीक है, पार्टिसिपेट करे, इसलिए इसको करना है मोटिवेशन के लिए। प्रेज देम, बिल्कुल हमें सभी, अगर कोई बच्चा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उन्हें डांट देना है, उन्हें फटकारना है कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे, बच्चों को हमेशा प्रेज करना चाहिए, वी शुड मोटिवेट देम, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, नो द रीजन, बिल्कुल एग्जैक्टली, कहीं बच्चा फिजिकली अनफिट तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई बच्चा कुछ बीमार तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का रीजन जानेंगे और उसका रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल चीज़ें उसको बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप सो आप इन सब चीज़ों को आंसर्स में अपने इंक्लूड कर सकते हैं और एक बेटर आंसर क्रिएट कर सकते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट द आंसर, सेम आंसर्स, प्लीज क्रिएट योर ऑन आइडियाज, योर ऑन थॉट्स टू प्रिपेयर द आंसर्स, ठीक है। आप अपने बेस्ट आंसर्स को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया लीजिए, यहाँ से एक गाइडेंस लीजिए, बाकी सभी चीज़ें अच्छा होंगी। तो ऐसे फ्री में वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि लास्ट, इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आएगा आपका, तो मैं एक टारगेट
ठीक है, एक टारगेट बूस्टर बूस्टर बैच चलाने वाला हूँ टीवीएस इंटरव्यू के लिए, बूस्टर, ठीक है, बूस्टर बैच, उसमें जिसमें मैं टारगेट ओरिएंटेड क्लास चलाऊंगा, ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड की आज इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन दूंगा, और जो बच्चे भी इंट्रोडक्शन हमारी जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम इंट्रोडक्शन जूम मीटिंग के थ्रू उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन अपना वीडियो सेंड कर सकते हैं। वहीं दूसरे दिन हम उनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें जो भी होंगी, डेमो टीचिंग हो गया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, और हम अपने इंटरव्यू में क्या क्या इंक्लूड करें, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सब चीज़ों को मैं टारगेट बेस्ड कराने वाला हूँ। केवीस कल्चर और केवीस स्कीम्स हो गई, मैं सब चीज़ों को टारगेट एक दिन में कई चीज़ें कराऊंगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइए, बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8853954496 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी कीवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और हम लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे उनके लिए। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी मैं बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये 15 से 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर दूंगा आपका। तो चलिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।